Hey guys, what's up? It's your friend Deepesh from Man's Fashion Technique. Today, I will talk about that particular thing which regular basis pe log mere se poochte hain. Mere se poochte hain ki what you eat, matlab kya khana chahiye jis se patle ho gaye to. Matlab main pehle bahut zyada hi mota tha, acha khasa laddu type sa tha. Sabne mere se poocha ki kya khaya, patle ho gaye. So, main basically, ek diet plan schedule chalaya maine YouTube pe mera. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा प्रोटीन शेक था जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ. अगर किसी को देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सो प्लीज़ चेक कर लेना. एंड सेकेंडली आज मैं आ रहा हूँ अपने लंच पे. जस्ट नेक्स्ट स्टेप जो लंच होता है मैं उस पर आ रहा हूँ. अब मैं बताऊँ लंच में एक्चुअली क्या खाना चाहिए. सो बेसिकली मैं एज ए लो कार्ब डाइट पर रहता हूँ. मतलब मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट सीरियसली. अभी मैंने रिवर्स डाइट प्लान चालू किया जिससे मैं अपने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्टअप करना चाहता हूँ. सो अब इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे, बट अभी मेरे को ये बात करनी थी कि सो गाइज फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलड. बेसिक सैलड्स के अंदर अपने क्या क्या जाएगा, ये सारे इंग्रीडियंट सारे बेसिक सैलड में हो गए. ये मैं दो एग्स डाल रहे हैं जो प्रॉपर बॉयल्ड है, कैरेट्स हो गई दो, ये मैंने आज इसमें स्प्रिंग अनियन यूज़ किया. अगर आप चाहते हो कोई दूसरा अनियन भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स योर प्रायोरिटी. एंड या शिमला मिर्च हो गया, एक टमाटर, एक स्वीट चिली, एंड मेरे पास अभी है खीरा. एक खीरा नॉर्मल साइज, ज़्यादा कुछ नहीं किया. अब मैं सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन कर दूँगा. बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी है. एंड बेसिकली ऐसे प्योर मिक्स वाले सैलड को फतूश बोलते हैं, इटालियन लैंग्वेज में फतूश बोलते हैं. एंड सो अब मैं इसके अंदर थोड़ा नॉर्मल मेरा देसी टच डालने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, फ्रूट्स इसमें मिक्स कर देता हूँ. सो आज मेरे पास ग्रेप्स है, एंड अब कोई सा भी सीजनल फ्रूट यूज़ कर सकते हो, बहुत बेटर होता है. एंड एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ क्रंच इन इट, मैं क्या करता हूँ कॉर्नफ्लेक्स आज डाल रहा हूँ. कॉर्नफ्लेक्स, और अगर आपके पास नट्स हैं सो आप नट्स भी डाल सकते हैं. ये एक कप कॉर्नफ्लेक्स हो गए, प्लेन फ्लेवर अनफ्लेवर्ड कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए मैंने इसमें. सो अब ये सब डालने के बाद अब इसमें अपन प्रॉपर अपने ग्रीन्स डालेंगे. ग्रीन्स अपन इसमें खीरा डाल चुके हैं. एंड सेकेंडली अब मैं डालूंगा स्प्रिंग अनियंस. ये एक कप स्प्रिंग अनियंस का जो ग्रीन पार्ट होता है वो पूरा डाल देंगे इसमें. सेकेंडली हम इसमें अपनी लिक्विड चीज़ें डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब ये एक नींबू अपन डालेंगे इसमें. अब इसके अंदर अपन अपनी लिक्विड चीज़ सिर्फ जो हमारी लाइम होता है वो हमने डाल दिया. एंड इसके अंदर ग्रीन्स अपने को और ऐड करना है, सो हम इसमें एक कप बॉइल्ड पालक ऐड करेंगे जो आयरन के अंदर बहुत अच्छी होती है. सो हमने अब ये कर दिया. अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. अब जब इसमें हमने दो बॉयल्ड एग्स डाल लिए थे, सो मैं अब क्या करता हूँ, दो बॉयल्ड एग्स डाले थे जिसके अंदर योक्स नहीं थे. अब मैं इसके अंदर एक फ्राइड एग डालूंगा जो मैंने ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई किया. नॉर्मल अपन हाफ फ्राई बनाते हैं, वो एग डालना है पूरा एक. इसके अंदर योक भी है, सो पूरे के अंदर एक योक, तीन एंड थ्री एग वाइट्स प्लस वन योक. अब इसके अंदर हम अपने जो मेन मसाले हैं वो सब डालेंगे. मैं अगर स्वीट रेड चिली डाल चुका हूँ, सो मैं और रेड चिली डालने वाला नहीं पाउडर फॉर्म में. सो मैं क्या करूँगा, एक टेबल स्पून या टी स्पून जितना भी आपकी प्रेफरेंस हो, मैं तो एक टेबल स्पून डालता हूँ. ब्लैक पेपर डालेंगे, उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे. बट सॉल्ट अपने को कौन सा डालना है वो ध्यान रखेंगे. अपने को हमेशा रॉक सॉल्ट यूज़ करना है क्योंकि सोडियम जितना कम होगा ज़्यादा बेटर है अपनी हेल्थ के लिए. सो इसलिए मैं मोस्टली हमेशा रॉक सॉल्ट यूज़ करता हूँ. एंड एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर, आप चाहो तो मैगी मसाला ऐड ऑन कर सकते हो, बट मेरे को थोड़ा टैंगी पसंद है. सो इसमें मैं एक टीस्पून जलजीरा डालता हूँ. मसाले डालने के बाद अब इसके अंदर अपनी सॉसेस डालेंगे जो ऐड इसको थोड़ा गुई टेक्सचर देगी. इसके अंदर मैं मस्टर्ड सॉस यूज़ करूँगा एक टेबल स्पून. एंड एक टेबल स्पून मैं इसमें टमाटो केचप ऐड ऑन करूँगा. अब ये सब अपने सारे इन्ग्रीडियंट्स में अपन डाल लिए हैं, सब अपने को कुछ काम नहीं करना, बस इसको ढंग से मिक्स करना है. सो मैं एक प्रॉपर स्पून एक प्रॉपर फॉक लूँगा
अब इसको अपन नो टॉस करेंगे, साइड साइड से लेंगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यू नो सारे बीच में इंग्रेडिएंट, तो यहाँ से लेने से बेटर ऐसे करें। सो एज यू कैन सी ये ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। सो आपको ये बताना होना चाहिए कि ना देखो अपन इसके अंदर अपने को एक प्लेट के अंदर तीन पार्टीशन होने चाहिए, अपने पास प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर फैट्स प्लस प्रॉपर प्रोटीन्स होना ही चाहिए। सो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, जैसे मैंने एक योग डाला तो उसमें पूरा फैट आ गया जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। सो ये प्रॉपर लंच मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मैं इसको एज अ लंच लेता हूँ। अगर आपको उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, इनकेस लगे जैसे कि आपके पास अगर आप एग्स नहीं खाते हो, योग नहीं खा रहे हो, सो वेल एंड गुड, आप इसके अंदर एक चपाती भी डाल के खाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जब नहीं होता है एग्स सो मैं मोस्टली एक चपाती यू नो इसमें काट के डाल देता हूँ, मीन्स तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में, सो यू नो उससे भी टेक्स्चर आ जाता है। सो गाइस दिस इज रेडी एंड ये हमारा पूरा बन चुका है सैलेड, आप इसको आप आराम से इंजॉय करके खा सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बाय द नेम MFT और मेंस फैशन टेक्निक्स। एंजॉय योर हेल्दी मील, बाय बाय।